सुन लो जरा, सुनने की बात है। दशरथ जी चले, गणेश जी को मनाकर चले, रथ में बैठकर चले। आजकल की जो तैयारियां होती वो देखो, बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तबलियन को तांगा सजे गए। क्यों भैया? बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तबलियन को तांगा सजे गए। और ऊंचे ऊंचे आसन ऊदमी बरातन को, ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातन को रथन बहेलन के अधिकार दे दे। अब पंडित और पुरोहित को पालकी धरी है कहां, डरी परी पालकी गाड़ी पे लदे गए। और संत का कांपत विनीत, संत कांपत विनीत कंटकों में सुसंत देखे, हाथिन पे जाते सुहाफत चले गए। ये हम लोगों की दुर्दशा, हाथन पे जाना, हाथी पर सवार होकर जाने वाले महात्मा आज ये हाथन पे जाते तो हाफत चले गए। ऐसा नहीं, राम जी की बारात में सब साधु महात्मा गए, आगे आगे गुरु जी, आगे आगे संत। और इसलिए जनकपुर वाले गाली क्या देते हैं, और जिस बराती को देखो उसकी दशा क्या, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, अरे सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, श्री राम मिथिला जग बरात अवध से मिथिला चली। जनकपुर वाले हंसते कि राजपूतों की बरात है, देखो तो सब दाढ़ी लगाए चलो, सीताराम से राम राम राम। अरे इस बरात की और विचित्रता सुनो, ये पहले गांव में पहुंची, लोग दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। अब बरातियों से दर्शनार्थी पूछते, भैया बरात कहां से आ रही? अब बरातियों कोई कम अकड़ तो होती नहीं, और राम जी के बरातियों कहां से आ रही बना, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम का विवाह है, बरात आ रही अयोध्या नगरी से। आ हा हा हा, क्या कहना, वाह वाह वाह, कहां जा रही? अरे महाराज शीरध्वज विदेह राज के यहां जनकपुर। वाह बड़ी अच्छी जगह से बरात आ रही, बहुत अच्छी जगह जा रही। अब मूछों पर हाथ घुमाया बरातियों ने, कहा ऐसे वैसे की बरात थोड़ी है, राजा महाराजाओं की बरात कोई कमी होती है क्या? हाँ सो तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछे, आप पूछो, जब बारात इतनी बढ़िया है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, कहां है दूल्हा दर्शन करने? बारातियों की सब अकड़ चली गई। अब ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि किसी की बारात बिना दूल्हे के गई हो, और राम जी की बारात बिना दूल्हे के जा रही है। अब ये कैसे कहते कि दूल्हा है ही नहीं, वे आगे ही पहुंच गए, उन्हीं ने प्रोग्राम बनाया है कि हम तो आ गए तुम आ जाओ। तो बोले वो दूल्हा सामने वाले दूल्हे, तुम बता दो। तो भैया जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब आपस में बहाना सोचें बातें करके, अंत में क्या बोले, ओ दूल्हा भैया दूल्हा तुम्हें पता नहीं? पता तो है, लेकिन अब बारात बहुत बड़ी है, पीछे आ रहे हो। पीछे आगे वालों ने तो अपने प्राण बचाए, पीछे वाले जाने। और जैसे ही वो दर्शनार्थी बेचारे खड़े रहे, पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहां? पीछे वाले बोले किसने कहा था यहां? आगे वालों ने कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो समझ गए, वो बारात बहुत बड़ी है ना, तुम देख नहीं पाए, बीच में निकल गए, बीच में बीच में। ये बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, श्री राम दुनिया जग बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम दुनिया जग बरात अवध से मिथिला चली।
गांव के बाहर जैसे ही बारात गई, लोग गए महाराज दशरथ के पास कि महाराज चाहे जो कुछ हो जाए, बड़ी परेशानी है, लोग दूल्हा पूछते हैं किसे बताएं। दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो। गए गुरु जी के पास कि महाराज लोग दूल्हा पूछते हैं, अरे किसी राजकुमार को बता दो। पर कुछ लोगों ने तो राम जी को देखा होगा, बोले ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता हो। भरत जी, इन्हीं को बताओ। भरत राम 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 भरत राम बारात पहुंची, लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए, भैया बारात कहां से आ रही, वो पूछ रहे थे बारात कहां से आ रही, और बराती कहते दूल्हा बताएं कहां है। लोग बोले दूल्हा नहीं, हम ये पूछ रहे हैं बारात कहां, अयोध्या से, अब बताएं दूल्हा कहां है। अरे कहां जा रही बारात, जनकपुर, अब बता रहे दूल्हा बिना पूछे, ये रहे भरत जी, ये रहे। लोगों ने गवाह क्या कहना, जितनी सुंदर बारात उतनी सुंदर दूल्हा, जय हो जय हो। अब बरातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़े ही, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे का विवाह। दर्शनार्थी बोले बहुत अच्छा, लेकिन एक बात पूछे, आप पूछो ये बारात जा रही है जनकपुर, हाँ तो बहुत पहले जा रही, कौन सी तारीख को विवाह होना तय हुआ, ये दूसरी विडंबना, तारीख तय ही नहीं थी, बारात चल पड़ी। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकारी। ताते पुर प्रमोद अधिकारी, इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात,
अवध से मिथिला चली। श्री राम जी अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी अजब बरात अवध से मिथिला चली। की अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। देखो राम जी की बरात में सब बना ही बना है, सब कुछ बना। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधी बनके अवधेश धनी। ध्यान देना भैया, मिथिलेश के धाम विनीत चले समधी बनके अवधेश धनी। और दुल्हाहु विवाह के हेतु बने बिन बाप के श्री रघुवंश मनी। और दुल्ही श्री जानकी के गृह में जननी हु नहीं धरनी ने जनी। और कतहू नहीं देखी सुनी अबलों बर के बिन जात बरात बनी। बनई न बरनत बनी बराता। अब विवाह तिथि कई किसी को पता नहीं, विवाह भैया भी तय नहीं हो। लोग हंसने लगे, सुन सब हंसे ठठात। तय नहीं हुए, चल दिए, चल दिए, तिथि तय नहीं, बरात जा रही, ऐसी बरात ही दिखती थी। अब आपस में झगड़ने लगे, हमने पहले ही कहा था ये पहले ही तय कर लेते, अब रास्ते भर जवाब दो। दशरथ जी की तो हंसी हो रही, हम लोगों की भी हंसी हो रही। क्यों आ गए ये विवाह तिथि तय होने के पहले? जनकपुर वाले बोले हम बताते हैं। क्या बोले? इन लोगों ने सोचा होगा मिथिला में तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, खाने पीने को बहुत बढ़िया मिलेगा, इसलिए पहले ही चलो, जब विवाह होगा तो वहीं तय कर लेंगे, तब तक खाएंगे पिएंगे। तो अवधवासी बोले क्यों मजाक करते हो, हमारे अयोध्या में खाने को नहीं है क्या? है तो, पर मिथिला जैसा नहीं। क्या है मिथिला? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। और यहां अयोध्या में, यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनि व्यंग बचन वर, सखियन के सुनि व्यंग बचन वर। राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। बीच बीच में निवास करते हुए बारात जनकपुर की ओर बढ़ रही है। महाराज जनक ने मार्ग में सब व्यवस्था की। क्या क्या भेंट किया? सेवकों को भेजा, ले जाओ। क्या सुपोतन सुरभि परियां। बरात में क्या है?
दधि शिवरा उपहार आहारा भरी भरी कांवरी चले कहारा भरी भरी भर कांवर चले कहारा भर भर कांवर भर भर कांवर चले भर भर कांवर चले कहारा भर भर कांवर दही चूड़ा तक का वर्णन है। ले गए और भोजन ले गए, बरातियों को खिलाया, अयोध्या वासियों ने पहली बार दही चूड़ा खाया। महाराज इतना अच्छा लगा कि लगे कि दोबारा ले लें, लेकिन संकोच बस कहे नहीं। अच्छा, जिसे दोबारा लेना होता है वो मालूम कैसे कहता है, वहां भाई बहुत अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट है, हाँ हमने तो पहली बार खाया, बड़ा अच्छा, बहुत बहुत, इसलिए तारीफ करता ताकि परोसने वाला कहे थोड़ा और लीजिए, माँ बहुत अच्छा, बड़ा स्वाद है। लोगों ने कहा और लीजिए, नहीं 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 हम इसलिए थोड़ी कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा है, बस ज्यादा नहीं, और अरे नहीं नहीं अब हमारी इच्छा, आप हमारी, अब यही तो है आप कह रहे तो आपका दिल कैसे तोड़े, ले आओ। अब दोबारा लिया, भाई बहुत बढ़िया, क्या बात, आपका दिल भी क्या बात, बहुत अच्छा, तो अब और ले लो, अब संकोच टूटेगा, चल ले आओ, फिर भोजन तो आया बाद में, ले आओ ले आओ, दही चूड़ा ही खा रहे सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक, दही चूड़ा दही चूड़ा। जनक जी ने पता कराया कि बारात कहां पहुंची, भोजन विश्राम का समय हो गया, आगे आई कि नहीं, बोले अभी तो वे वही हैं जहां थे, क्या कर रहे हैं, बोले दही चूड़ा खा रहे हैं सवेरे से दही चूड़ा। जनक जी को लगा, हंसे जनक जी के, वाह ये तो दही चूड़ा पर ऐसे टूटे अयोध्या के बराती है। जनक जी को लगा, सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, ये जन्म के दरिद्री हैं क्या। पर एक अवध के महात्मा बैठे थे, बोले ऐसी बात नहीं, अयोध्या वाले साई ठाटवाट से रहने वाले, ये बाबा बैरागियों के यहां संबंध हो गया तो क्या करें, ये राजाओं की तरह खाना पीना खिलाना पिलाना क्या जाने, क्या भेज दिया, दही चूड़ा। अवधवासियों ने जो दही चूड़ा देखा, बोले ये बरातियों का भोजन, इससे तो घर में ही भले थे, दही चूड़ा कहा, हम कोई बीमार है। अवधवासियों की इस नाखुशी पर मानो तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, अवधवासियों ने कहा कि सुख विदेह कर बरन न जाई, और जनक जी तो ऐसे दही चूड़ा भेज रहे हैं जैसे जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, जन्म के दरिद्री हैं क्या। दोनों ओर से बात लगती है, जाकी रही भावना जैसी जाकी रही, जाकी रही भावना जैसी जाकी जाती रहे बाबा, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जाती रहे बाबा, जाती रहे बाबा तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जाती रहे बाबा तैसी, जाती रही बाबा जाती जाती रही भावना, जैसी जाती रही भावना, जैसी जाती रही भावना।
जाकी रही बाबा नाथ जी जाकी रही बाबा नाथ जी बाकी रही बाबा मूरत दे कीर्तन तैसी को मूरत दे कीर्तन तैसी को मूरत दे कीर्तन तैसी जाकी रही भावना भावना जिसकी जैसी भावना बरात जनकपुर आई श्री सीता जी ने व्यवस्था की मंडप में जनवा से मैं ठहर गए विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए नृप संग कुंवर दो आए जनकपुर की सखियां कहती हैं नृप संग कुंवर दो आए जैसे राम लखन कुंवर संग दो आए जैसे राम लखन नृप संग कुंवर दो आए जैसे राम लखन नृप संग कुंवर दो आए जैसे राम लखन हो नामा नृप संग कुंवर दो आए जैसे राम लखन नृप संग कुंवर दो आए जैसे राम लखन श्यामल गौर बरन मन भावन श्यामल गौर बरन मन भावन सखी अति ही लगत सुहाए जैसे राम लखन अतिशय लगत सुहावन जैसे राम लखन सखी अतिशय लगत सुहाए जैसे राम लखन सखी अतिशय लगत सुहाए जैसे राम लखन श्री भरत श्री शत्रुघ्न को देखकर भी यही बात कहती हैं और उनकी लालसा तो एक ही है ब्याही हूँ चारिउ भाई चारिउ भाई यही पुर हम सुमंगल हम सुमंगल गावही चारों कुमारों का यहां विवाह हो जाए तुम्हें क्या मिलेगा हम सुमंगल गावही हम हम सुमंगल गावही हम सुमंगल गावही हम सुमंगल गावही गावही हम सुमंगल गावही हम सुमंगल गावही मंगल गाव 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 हम तो मंगल हम तो मंगल हम तो मंगल गाव हम तो हम इनके विवाह के मंगल गीत गाते रहें बस। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बनाई नारद जी से भेजी
वही विवाह की तिथि। अगन सुदी शुक्ल पंचमी जनक जी के ज्योतिषियों ने वही तिथि निकाली और समय गोधूलि बेला। धेनुधूरी धेनुधूरी का मतलब गोधूलि। बेला विमल बे आज दो परिवार मिल रहे हैं, दो जीवन मिल रहे हैं, मिलन के मधुर माहौल में समय भी ऐसा शाम का, जब प्रकृति में भी दिन और रात मिल रहे हो। तो मिलते तो सवेरे भी हैं, है ना योगेश जी, मिलते तो सवेरे भी हैं, फिर ये शाम को क्यों? दिन रात तो सवेरे मिलते कि नहीं, और शाम को भी मिलते, फिर ये शाम का समय क्यों? अरे इसलिए कि सवेरे के मिलन में रात चलकर आती है दिन के पास, और शाम के मिलन में दिन चलकर आता है रात्रि के पास। तो विवाह में दूल्हा चलकर आया है दुल्हन के पास, इसलिए शाम का। और मुझे लगता है जब से राम जी का विवाह शाम को हुआ, सारी शादियां शाम को ही होने लगी। सूर्य वंश के सूर्य श्री राम, श्री जैसे रात्रि के पास आते हैं सूर्य भगवान, इसी तरह राका रजनी भगति तब राम नाम सुई सोम। तैयारियां होने लगी, हिल मिल आली सजयोरी रघु राज बना को, हिल मिल आली सजयोरी रघु राज बना को, हिल मिल आली सजयोरी रघु राज बना को, ओ हिल मिल आली सजयोरी रघु राज बना को, पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी, पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी, उबटन अंग कदयो री रघु राज बना को, उबटन अंग कदयो री रघु राज बना को, पियरी धोती के संग जामा,